प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में आपका स्वागत है। जय मसीह की। मैं पास्टर नारायण अल्दर पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। और हमारे प्यारे पास्टर डेविड पास्टर को हम धन्यवाद देते हैं, उनके कलीसियों को धन्यवाद देते हैं। सुंदर ऐसा मौका और प्रभु यीशु ने हमें मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर की हुजूर में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके प्यारे लोगों के साथ आपने मुझे यह वचन बांटने का मौका दिया प्रभु जी। आपकी नाम की महिमा करते प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते पिता, आप हमें सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देता हूँ, और ये दुआ हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रार्थना मैं तुझसे करूं हो मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं हो मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे ही प्रेमति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे ही प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढू, तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊ, आत्मा से भरता जाऊ। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढू, तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊ, आत्मा से भरता जाऊ। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू, हे प्रार्थना मैं तुझसे करूं
ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हमारा जीवन आपके काम है प्रभु जी, हम आपके राज्य के लिए आप हमें हमारे इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम कुछ नहीं है आपके सामने, हम आपके सामने मिट्टी धूल राख के समान है प्रभु जी। आप हमारे जिंदा खुदा हो प्रभु जी। आप नीचे गिरे हुए लोगों को आप ऊंचाई पे बिठाते हो प्रभु जी। आप जिंदा खुदा हो प्रभु जी। आपकी मर्जी पूरी कायनात पे चलती है पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करता हूँ आपके प्यारे लोगों के साथ, आपने मुझे वचन बांटने का मौका दिया प्रभु जी। आज आपके प्यारे लोगों के साथ पिता आप वचन के द्वारा बात कीजिए प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं तो मेरे पिता का पवित्र आत्मा इस जगह पे बात करे, और आपकी नाम की महिमा हो प्रभु जी। आप बढ़े और हम सब घटे प्रभु जी। सुनने वाले कान दे प्रभु जी, समझने वाला हमें आप मन दीजिए प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्ति हमारे परिवार के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर काम ना करे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु इस माध्यम के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन सुन रहे प्रभु जी, उनका जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा हो प्रभु जी, और आपका राज्य बढ़े प्रभु जी। ये मैं दुआ प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे मांगता हूँ। सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय यीशु मसीह में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। आज वचन का टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह की सेवा हमें कैसे करनी है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा जो है हमें कैसी करनी है, इसके बारे में आज हम संदेश सुनने जा रहे हैं मेरे प्रिय। बहुत ही परमेश्वर का अच्छा वचन पवित्र बाइबल में हमारे लिए प्रभु ने लिखा है। आइए इस वचन का मनन करने जा रहे हैं, और परमेश्वर आज वचन के द्वारा आपसे और हमसे बात करेगा। आइए हम देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की जो सेवा है, यीशु ने जो सेवा की वो कैसी की, ये इसके बारे में हम देखेंगे। यीशु मसीह ने किस तरह से सेवा की, आइए देखेंगे। मरकुस की किताब इसका 10वां अध्याय 45 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु सेवा करने और बहुतायत को छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। मेरे प्रियो, ये मरकुस ने क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह ने सेवा कैसी की, इसके बारे में लिखा है। फिर हम वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह मनुष्य का 100% मनुष्य का मनुष्य था और 100% परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, यानी कि उसकी सेवा, खुद की सेवा करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। मेरे प्रियो, यीशु ने कभी खुद की सेवा नहीं की, अपने चेलों के पैर धोए मेरे प्रियो, कैसी मिनिस्ट्री की, खुद को इतना नम्र किया और अपने अपने से ज्यादा सामने वाले को बढ़कर कहा, सामने वाले को परमेश्वर क्या की, अगुवाई की। और देखते हैं हम लोग, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और अपने मित्रों के लिए प्राण दिए। मेरे प्रियो, हम देखते कि सच्चा मित्र वही होता है अपने मित्रों के लिए प्राण देता है। और मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 2000 साल पहले हमारे लिए और आपके लिए क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने प्राण दिए। मेरे प्रियो, इसको बोलते हैं सच्ची सेविकाएं। सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से और आत्मा से जो सेवा है वो यीशु मसीह ने की है, ये हम देखते हैं। और अपने मित्रों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, प्राण दिया, और परमेश्वर की इच्छा में यीशु मसीह चला। मेरे प्रियो, तो हमें भी ऐसी सेवा करनी है यीशु मसीह की तरह। हमें एक दूसरों के लिए प्राण देना, मतलब एक दूसरों के लिए समय देना, एक दूसरों के लिए आंसू बहाना, एक दूसरों के लिए प्रार्थना विनती खुदा बाप से करना,
ये ऐसी सेविकाएं हमें यीशु मसीह की जैसे हमें करनी है मेरे प्रियो। जैसे यीशु मसीह ने किए, उसने अपने चेलों के पैर धोए, इससे हम क्या देखते हैं कि हमें खुद को इतना नम्र करना, इतना नम्र करना है कि सामने वालों को इज्जत देना है। प्रेज लॉर्ड, इतना हमें खुद को नम्र करना है। ये सेविकाएं करते यीशु मसीह की तरह मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपकी सेवा और हमारी सेवा कैसी होगी? दानियल 12:3 वचन के अनुसार चमक के उठेगी। प्रेज लॉर्ड, ये यीशु मसीह ने हमें कहा है। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की सेवा कब प्राप्त होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें प्रभु की तो सेवा तो करनी है, लेकिन वो कब प्राप्त होती, कौन से समय में, कैसे प्राप्त होती, ये हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों इसका 4वां अध्याय, इसका 4वां अध्याय फर्स्ट वचन, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 1, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हम यह सेविकाई हमें मिली, तो हम हिवाय नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो, ये बाइबल में क्या लिखा है कुरिन्थियों के मंडली को, संत पौलुस क्या कहता है, इसलिए हम पर ऐसी दया हुई कि हम यह सेविकाई हमें मिली। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सेवा हमें मिलना, ये खुदा बाप को हमसे ऊपर मिली हुई दया है। ये किसी को भी नहीं मिलती, कोई भी उठ के प्रभु यीशु की सेवा नहीं कर सकता। जिनको प्रभु यीशु ने बुलाया नहीं है, जिनको यीशु ने प्रवेश में बुला नहीं है, उनकी सेवा ज्यादा दिन नहीं चलती मेरे प्रियो। और जिनको खुदा बाप ने बुलाया है, उसकी सेविकाई चलती है। ये बाइबल में लिखा है, मैं बताना चाहता हूं कहां लिखा है, पढ़िए रोमियो की किताब, इसका 8वां अध्याय 30वें वचन में हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 30वें वचन में लिखा है, रोमियो किताब 8वां अध्याय 30वें वचन, रोमन चैप्टर 8 वर्स 30 कि कोई भी उठ के प्रभु यीशु की सेविका नहीं कर सकता। जिसको परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिसने खुदा बाप ने उसको बुलाया है, वही प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकता है। ये बाइबल में लिखा है, आइए पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 8 वर्स 30। यही नहीं कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें खुदा बाप ने धर्मी ठहराया है उन्हें महिमावंत भी किया है। ये सेविका उन लोगों को मिलती है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि यह नहीं कि उसने पहले से ही ठहराया, खुदा बाप ने मां के गर्भ में पहले से हमें राष्ट्रों का संदेष्टा करके बुलाया है। यिर्मयाह नबी की किताब इसका 1वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, तू मां की कोख से जन्मने से पहले मैंने तुझे भविष्यवक्ता करके ठहरा है। तो मेरे प्रियो, उन्हीं लोगों को परमेश्वर चुनता है जो उसकी सेवा सच्चाई से और आत्मा से करते हैं। हमें प्रभु यीशु की सेवा जो करनी है मेरे प्रियो, सच्चाई से करनी है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में करनी है, तो ही वो सेवा बढ़ती है। इसलिए ये वचन फिर हम पढ़ेंगे, रोमी किताब 8वां अध्याय 30वां वचन, यह नहीं कि उसने पहले से ठहरा है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है, जिन्हें खुदा बाप ने उसकी क्या किया है, जिनको यीशु मसीह में सेविका के लिए खुदा बाप ने बुलाया है, उनको खुदा बाप ने उसको धर्मी भी ठहरा है, और जिन्हें धर्मी ठहरा है उन्हें महिमावंत भी किया, उनकी महिमा उनकी ग्लोरी भी खुदा बाप ने उन लोगों की है मेरे प्रियो। ये बाइबल में लिखा है। इसलिए अपने मन से कोई सेवा ना करे, पहले खुदा बाप से पूछे, एक खुदा बाप अगर आप मुझे आपकी पूरी सेविका के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए आप बुला रहे ये या नहीं है। जब हम छोटे छोटे चीज में हम विश्वास रहते हैं, तब हमें परमेश्वर बड़ी चीज में हमें बुलाता है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, हे भले दास, तू छोटे बातों में विश्वास रहा, इसलिए मैं तुझे बड़ी चीजों के लिए तुझे बुलाता हूं। जब हम छोटे छोटे कामों में विश्वास देखेंगे मेरे प्रियो, तब प्रभु क्या करेगा, आपको उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। दाऊद जो था मेरे प्रियो, दाऊद कैसा था, अपने पिता का जो भेड़ चराता था, वो चरवा था, और खुदा बाप ने स्वर्ग से देखा कि ये जो दाऊद जो है, इतना छोटा बच्चा है, अपने पिता की जो भेड़े है ईमानदारी से चराता है, उसमें एक भी भेड़ अगर कोई किसी
किसी जंगली जानवर ने पकड़ ली, उसके मुंह को खोल के उस भेड़ को निकालता था, एक भी भेड़ को उसके जानवर जंगली जानवर के हाथों में गिरने नहीं देता था। उनके वो चरवा अच्छा चरवा करके उनका देखभाल करता था मेरे प्रियो। इसलिए खुदा बाप ने देखा अगर ये पिता की इतना अच्छा भेड़ों की इतनी रखवाली करता है तो ये दाऊद जो है वो मेरे इज़राइल के लोगों की अच्छी रखवाली करेगा। इसलिए खुदा बाप ने छोटे कामों के द्वारा दाऊद को बड़े कामों के लिए बुलाया और उसे इज़राइल देश का राजा बनाया मेरे प्रियो। इसलिए हम छोटी छोटी बातों में जब हम विश्वासी रहते हैं तो खुदा बाप हमें बड़ी चीजों के लिए बुलाता है, ये सेविका भी होती है। अगर हम छोटे कामों में इफ वी आर करप्टेड, तो अगर हम करप्टेड है तो खुदा बाप हमें बड़ी सेविकाएं नहीं देता। छोटी छोटी बातों में हमें अंत तक विश्वास रहना है। प्रेज लॉर्ड, मरते दम तक हमारे परमेश्वर से, अपने पत्नी से, अपने परिवार से, अपने कलीसिया से मरते दम तक विश्वास रहना है और उन्हीं लोगों की सेविकाई बढ़ती रहती है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो ये सेवा जो दी है खुदा बाप ने हमें उसकी दया के अनुसार दी है। खुदा बाप की हमारे ऊपर दया हुई है इसलिए उन लोगों को खुदा बाप उनकी महिमा के लिए बुलाता है। जो लोग घमंड लेके सेवा करते हैं उनकी सेवा ज्यादा दिन नहीं बढ़ती। तो घमंड से कोई सेवा नहीं की जाती, अपने मन से नहीं सेवा की जाती, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मेरे प्रियो और दया से हमें उसकी सेविकाई दी जाती है। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा में क्या लिखा है पढ़ेंगे। रोमियों की किताब इसका 14 अध्याय 18 वचन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। रोमियों की किताब इसका 14 अध्याय 18 वचन, रोमन चैप्टर 14 वर्स 18, रोमन चैप्टर 14 वर्स 18, क्योंकि वह जो इन बातों में मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को ग्रहणीय और मनुष्य के द्वारा अच्छा समझा जाता है। हालेलुया मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सेवा कैसी होनी चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा वचन लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि वह जो इन बातों में मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को ग्रहणीय ग्रहण योग्य। जब हम ईमानदारी से सच्चाई से प्रभु यीशु की सेवा करते तो परमेश्वर की नजरों में ग्रहण योग्य कि खुदा बाप को हमारा जो अर्पण है ऑफरिंग है वो खुदा बाप को अच्छा लगता है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य। और क्या लिखा है, मनुष्य के द्वारा अच्छा समझा जाता है कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की सेवा है वो अच्छी समझी जाती है कि किसी के लिए हम खुदा बाप के सामने रो रो कर दुआ करते हैं मेरे प्रियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का मतलब क्या है। मिनिस्ट्री का मतलब सिर्फ इतना नहीं है सिर्फ बाइबल खोल के लोगों को सिर्फ वचन बताओ, इतना ही मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री का मेन जो मतलब है, मिनिस्ट्री मीन्स बर्डन, मिनिस्ट्री मीन्स बर्डन। बहुत सारे लोगों का हमारे आंसू के साथ बोझ होना चाहिए। हम प्रार्थना विनती लोगों के लिए हमेशा करते रहना है, लोगों से प्रेम करना है, लोगों को क्षमा करनी है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को बताना है, लोगों को उद्धार करने वाले यीशु मसीह के पास उन्हें लेके आना है और बहुत सारी आत्माओं को नरक की अग्नि से हमें बचाना है। दिस इज मिनिस्ट्री, इसको मिनिस्ट्री कहा जाता है मेरे प्रियो। इसलिए सिर्फ बाइबल बताना, बाइबल का वचन सिर्फ बताना इसको मिनिस्ट्री नहीं बोलते बोला जाता। मिनिस्ट्री का मतलब है हमें लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए, भले वो कैसा भी इंसान हो, बुरा हो या अच्छा हो, उनके लिए हमें दुआ करती है। नहीं, बाइबल कहती है तुम अपने बैरियों के लिए भी दुआ करते रहो, प्रेज लॉर्ड, प्रार्थना करते रहो। इसलिए हमें लोगों को क्षमा करनी है तुरंत, कोई हमें कितना भी बुरा भला बोले हमें तुरंत उन्हें क्षमा करते रहना है। और मिनिस्ट्री हम देखेंगे मिनिस्ट्री किसकी जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेस्टामेंट में देखा जाएगा तो नेहेम्या के जैसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए और न्यू टेस्टामेंट में सेंट पौल की जैसी। उसकी मिनिस्ट्री कैसे थी जब उसे पता चला, हम देखेंगे नेहेम्या नबी की किताब इसका 1 अध्याय 3 और 4 वचन हम देखेंगे। नेहेम्या इसका 1 अध्याय 3 और 4 वचन देखेंगे। नेहेम्या चैप्टर 1 वर्स 3 एंड 4, नेहेम्या चैप्टर
1:3-4 और उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदियों से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम के शहरपना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। मेरे प्रियो, जब नहम्या के पास कुछ यहूदी लोग, जब बेबलन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने क्या किया था, उसने परमेश्वर का मंदिर तोड़ दिया था मेरे प्रियो, और उस टाइम बहुत सारी यहूदी लोगों को बंदीवान करके वो लेके गया था, बाबेल में लेके गया था, बेबीलोन में लेके गया था। उसके बाद वो उसके जो कुछ छोटे हुए जो बंदी थे यहूदी लोग, उसमें से कुछ लोग नहम्या के पास आए, और नहम्या का क्या काम करता था, राजा के पास एक प्याले दरबार की जैसा वो सेवा करता था राजा के पास। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके कुछ बंधु, उसके कोई ब्रदर्स जो है यहूदी लोग, जो है कुछ यहूदी लोग, छुटकारा मिलने वाले यहूदी लोग उसके पास आते और अपने यरूशलेम के बारे में, क्या हाल हो चुका है यरूशलेम का, उसके बारे में नहम्या को बताते, तो क्या बताते फिर से हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदियों से छुटकर उस प्रांत में रहते, किस प्रांत में, यरूशलेम में, बेबीलोन के राजा से छुटकर यरूशलेम में जो यहूदी लोग जो रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। मेरे प्रिय, वो बहुत टेंशन में, उनके हाथ में कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई काम नहीं है, कोई उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस मार्ग से हम चले, वो बहुत तकलीफ में है और वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। आजू बाजू वाले जो लोग हैं, जो उनकी परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं, उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम के फाटक शरपना टूटी हुई है। यरूशलेम का जो पूरा फाटक था मेरे प्रियो, शरपना थी और पूरी टूटी हुई थी और उसके फाटक जले हुए थे। जब उसे पता चला तो नहम्या जो था वो बात सुनने के बाद रोने लगा मेरे प्रियो, रोने लगा, उसको बहुत बुरा लगा, बहुत ऐसा लगा कि हे खुदा, ये मेरे लोगों के साथ क्या हो गया, इनका जीवन टूट गया है, इनको इनके जीवन में अच्छी आशीष आनी चाहिए, लोग टूट, ये नहम्या के मन में आया मेरे प्रियो, और उसने राजा को बताया कि मैं अपने माता पिता के पुरुषों के घर में जाता हूं और मेरे जो टूटे फाटक है उन्हें ठीक करता हूं। तो उस राजा के बोलने से पहले खुदा बाप से प्रार्थना करता था और खुदा बाप के द्वारा वो राजा बोलता था, ठीक है इतने लोग लेके जाओ और तुझे जो काम करना है वो कर लो। ये नहम्या के बारे में हम पढ़ते मेरे प्रियो, देखो चौथे वचन में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब मैंने ये बात सुनी कि मैं बैठकर रोने लगा। मेरे प्रियो, ये नहम्या रोने लगा, ये तकलीफ में लोग हैं, जैसे हमें भी रोना ना चाहिए जब लोगों के हाथ घर में पैसा नहीं है, लोग बीमार है, लोगों के हाथों में काम नहीं है, लोग कैसा जीवन जीते रहेंगे, परिवार कैसा चलाते रहेंगे, ये सारी चीजों की वजह से हमें रोना आना चाहिए मेरे प्रियो। किसी बहन को शादी होकर बहुत दिन हो गए लेकिन ससुराल वाले उसे बुरा भला कह रहे, तुझे कोई अभी तक संतान हुई नहीं क्या, इससे उसे कोस रहे, तो ऐसा बोलने के बाद मेरे प्रियो हमें ये प्रार्थना विनती सुनने के बाद हमें दर्द होना चाहिए, खुदा बाप से रो रो के दुआ करनी है, हे मेरे खुदा इस बहन के ऊपर तू तरस खा और इसके जीवन के ऊपर जो श्राप है सारे श्राप तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से और उसे अच्छी संतान की आशीष दे मेरे खुदा, ऐसा दुआ करके हम औरों के लिए दुआ करनी है मेरे प्रियो। फिर बाइबल कहते नहम्या रोने लगा और कितने दिनों तक वो रोता, बहुत दिन तक रोता था मेरे प्रियो, आंसुओं के साथ, बोझ के साथ खुदा बाप से प्रार्थना विनती करता था, विलाप करता था और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उसने उपवास किया मेरे प्रियो, फास्टिंग किया। देखो आज बहुत सारे फास्टिंग लोग क्यों करते हैं, मुझे ब्लेसिंग मिलना चाहिए, मुझे आशीष मिलना चाहिए, मेरा काम बढ़ना चाहिए, मेरी सारी ब्लेसिंग बढ़नी चाहिए, इसलिए बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। लेकिन नहम्या के जैसे ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए उपवास करते मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को खुदा बाप ढूंढ रहा है, नहम्या के जैसा पैशनेटली सेवा करने वाले लोगों को खुदा बाप ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। क्या हम ऐसी सेवा कर रहे हैं नहम्या के जैसी, क्या अपना ही अपने लिए, मेरा घर परिवार ठीक हो, मेरा बाल बच्चा ठीक हो, मेरा ही सिर्फ ठीक हो, और दुनिया वाले वो क्या उनका वो देखेंगे,
ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट मिनिस्ट्री। मेरे प्रिय मिनिस्ट्री उसको बोला जाता है जो दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का भला हो, दूसरे लोगों के जीवन में चंगाई आए, दूसरे लोग तरक्की करे, दूसरे लोग हमसे भी ज्यादा बढ़े। ऐसा हम जब हमारा हृदय रखते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा बाप को आपका ये हृदय बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। और ये नेहमिया के बारे में खुदा बाप ने देखा और चौथे वचन में लिखा है कि स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उसने उपवास किया और यह कहकर प्रार्थना की। सिर्फ उपवास किया क्या? नहीं, उसने प्रार्थना भी की मेरे प्रियो। इसलिए हमें हमारे अपने लोगों के लिए, अपने बंधुओं के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए मेरे प्रिय उपवास रख यीशु मसीह के नाम से टूटते हैं। अपने लोगों के लिए हमें इस तरह जैसी फास्टिंग प्रेयर करना है, और फास्टिंग प्रेयर करेंगे तो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर अपने लोग हमसे निकल जाएगी। प्रेज लॉर्ड। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री। और हम देखेंगे हमें क्या लगता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करेंगे तो क्या यीशु की सेवा नहीं हो सकती, खुदा बाप की सेवा नहीं हो सकती? इंसान ने अगर सोचा नहीं, मैं अभी खुदा की सेवा नहीं करूंगा, सिर्फ घर में जाके बैठ जाऊंगा, सिर्फ घर में बैठ के आपको क्या लगता है परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा, खुदा बाप की सेवा नहीं होगी? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है हम इंसान ने अगर परमेश्वर की सेवा नहीं की ना तो भी खुदा बाप को कुछ असर नहीं पड़ता। ये याद रखिए, अगर हम जितना परमेश्वर की सेवा करेंगे उतना हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा मेरे प्रियो। हर टाइम में हमें बख्शीश परमेश्वर देगा मेरे प्रियो। और देखें कहा लिखा इसके बारे में, प्रेरित के काम 17:25 में लिखा है। प्रेरित के काम इसका 17:25 क्या कहता हम देखेंगे। Acts chapter 17 verse 25 Hallelujah, thank you Jesus। मेरे प्रिय वचन क्या कहता है फिर से हम पढ़ेंगे। Acts chapter 17 verse 25। ना ही किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा उपासना लेता है, क्योंकि यह आपकी आप ही सबको जीवन श्वास सब कुछ देता है। मेरे प्रियो, देखो क्या बाइबल कहती है कि ना ही वो किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा उपासना लेता है। क्या परमेश्वर को क्या किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं मेरे प्रियो? वो बाइबल कहती कि वो खुद परमेश्वर सबको जीवन श्वास सब कुछ देता है। उसने हमें पूरा जीवन दिया है, श्वास दिया है, परिवार दिया है, कलीसिया दिए, ये खुदा बाप ने हमें दिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को क्या कमी घटी, कौन सी चीज की कमी घटी है कि हमने पुरुष की सेवा नहीं की तो उसका राज्य नहीं बढ़ेगा? मेरे प्रियो, उसका राज्य वो कैसे भी बढ़ा सकता है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। उस नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द गॉड, खुदा बाप को कोई चीज असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए हमें विश्वास के साथ हमें ये मौका दिया सेवा करने का, तो हमें सच्चाई से और आत्मा से उसकी सेविकाई करते रहना है। फल की अपेक्षा मत रखो, फल हमें एक दिन जरूर मिलेगा। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। आप परमेश्वर में आपका समय, आपका क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा नहीं ये जाता, बुरा नहीं जाता। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने मेरा समय बर्बाद किया, बर्बाद नहीं होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह का हम सेवा करते हैं हर। और हम देखेंगे कुछ लोग जो है कब सेवा करते, बहुत लोग हम बोलते अगर तुम परमेश्वर का सेवा करना चाहते करो, तो बहुत लोग बोलते क्या नहीं नहीं अभी नहीं मैं करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे जो होते तब यीशु मसीह की सेवा करते, जैसे पेत्रस की जो सास थी उसने कब सेवा की, पेत्रस की सास ने कब सेवा की, जब यीशु मसीह ने उस पेत्रस की सास का जो बीमारी थी उसको ठीक कर दिया, और फिर ठीक करने के बाद वो उठ गई और यीशु मसीह के सेवा करने लगी। ऐसे बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में मिराकल होते हैं, माइटी मिराकल होते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, घर मिलता है, परिवार मिलता है, तब बोलते हैं हाँ अभी यीशु मसीह जिंदा खुदा है, अभी हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, हमें उसकी सेवा करते रहना है। वो तो आपको आशीष देगा ही देगा, खुदा बाप हमें कभी बिना आशीष का नहीं रखता, सिर्फ विश्वास के साथ चलते रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। देखें कहा लिखा है, मत्ती सुसमाचार इसका 8:15 मत्ती सुसमाचार इसका 8:15
15 वचन में क्या लिखा है पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 15। और उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। कौन मेरे प्रियो? पेत्रस की जो सास थी, बाइबल कहती है जब पेत्रस की सास बीमार थी, उसको बहुत बुखार आया था और बुखार आने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया, उसने उसका हाथ छुआ। यीशु मसीह ने उसकी सास के हाथ को छुआ। यीशु मसीह ने छूने के बाद क्या हो गया, उसका ज्वर उतर गया, उसका ताप उतर गया। वैसा हमारे जीवन का टेंशन कब उतर जाता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन को छू लेता है। छू मे, मुझे छू। तो उस यीशु ने उस पेत्रस की सास को छू लिया और उसका ज्वर उतर गया, हमारा टेंशन उतर गया। टेंशन कब खत्म होता है, जब परमेश्वर हमें जीवन को छूता है। और वो उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। तब पेत्रस की सास उठकर, बीमारी से उठकर यीशु मसीह की सेवा करने लगी। मेरे प्रिय, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, उनके जीवन में मिराकल होते हैं, माइटी मिराकल होते हैं, अच्छा घर होता है, परिवार होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ जाती है, तब बोलते हैं आप भी उठ के हम सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, जब आपका कुछ नहीं होता, आपके अकाउंट बैलेंस जीरो होता है, तब आप उठ के सेवा करते हैं ना, तब आपकी सेविकाई का मान खुदा बाप बहुत करता है। अरे सब कुछ मिलने के बाद कोई भी इश्यू बोल सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन आपके अकाउंट बैलेंस जीरो है, कुछ भी नहीं है, पेट्रोल डालने के लिए भी पैसा नहीं है, तो भी आप उठ के सेवा करते ना, उस सेवा का मान खुदा बाप सबसे बड़ा करता है। गुजरा हूं, अकाउंट बैलेंस जीरो, पेट्रोल में डालने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसी हालत में उठ के खुदा बाप ने मुझे उसकी राज्य के लिए इस्तेमाल किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप यीशु मसीह की सेवा करते रहो, भले आपके पास पैसा हो या ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन खुदा बाप का नाम आपके पास है। जैसे पेत्रस और यूहन्ना बोला, उस मंदिर के सुंदर दरवाजे के नाम के मंदिर के बाहर बैठा हुआ, तो अपाइस था, जन्म से अपाइस था, उसको बोला मुझे तुझे देने के लिए ना सोना है ना कोई हीरा है, मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, उठ और खड़ा हो जा। और बाइबल कहती है पेत्रस और यूहन्ना बोलने के बाद, वो अपाइस था जब जन्म से, वो उठकर पेत्रस और यूहन्ना के साथ मंदिर में चलने लगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपके पास कुछ ना होने दो, अकाउंट बैलेंस जीरो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, यीशु मसीह का नाम आपके पास है। क्या है सबसे बड़ी दौलत, क्या है दुनिया में? यीशु मसीह का नाम आपके और हमारे पास है, ये सबसे बड़ी दौलत है। अगर यीशु मसीह का नाम है तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम उद्धार है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है यीशु मसीह का नाम, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है। प्रेज लॉर्ड। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पास कुछ पैसा हो या ना हो, एकदम आत्मा से भर के यीशु मसीह की सेवा पैशनेटली करते रहो, आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपको आशीष रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आशीष आपको लगेगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे फाइनेंशियल पोजीशन मेरी बढ़ गई तो मैं आई एम सो सॉरी। आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आप बहुत आशीषित हो, नो। आपके पास परमेश्वर का राज्य है क्या? आपके पास परमेश्वर का धर्मीपन है क्या? आपके पास परमेश्वर की नम्रता है क्या? आप परमेश्वर के यीशु मसीह के जैसे खुद नम्र हो या लोगों को क्षमा कर रहे हो क्या? आप पाप बिना पाप का जीवन जी रहे हो क्या? तो आप सबसे बड़े अमीर हो। आप लोगों को सुसमाचार आप लोगों को बता रहे हो क्या? आप लोगों को, गरजमंद लोगों को, परमेश्वर के पवित्र लोगों को आप मदद कर रहे हो क्या? दान दे रहे हो क्या? दशमांश दे रहे हो क्या? चैरिटी कर रहे हो क्या? तो आप सबसे बड़े अमीर हो। प्रेज लॉर्ड। ये याद रखो मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत पैसा होता है तो हम अमीर है ऐसा नहीं है, वो टेम्पररी ब्लेसिंग है, पैसे की आशीष है, हम अमीर जरूर है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप अमीर नहीं है, अमीर है, लेकिन वो परमानेंटली अमीर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ा धनी होना है तो सबसे प्रेम करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने पूरे जगत को जीत लिया। अब जगत को जीतने के लिए क्या पे कर किया? बहुत यीशु मसीह का कोई तो बहुत बड़ा पैसा था ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। यीशु मसीह ने पूरी जगत को जीत लिया। कैसे जीत लिया मेरे प्रियो? प्रेम से जीत लिया। इसलिए हमें लोगों से प्रेम करना है मेरे प्रियो। आपको बाइबल कितना पता है? आई डोंट नो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो एग्जाम्पल, हमें खुद वो अच्छा काम करना है, लोगों को सिखाना है। आप जितना बोलते उतना लोग नहीं करते, आप जैसा रहते वैसा लोग देख के करते।
प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे कार्यों के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के पास पहुंचना चाहिए। ये लोग मसीह के सच्चे लोग हैं, सबसे प्रेम करते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं और यीशु मसीह के बारे में सबको अच्छी बात बताते हैं। ऐसे हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए मेरे प्रियो। और हम देखेंगे प्रभु यीशु की सेवा के बारे में। तो ये पेत्रस के साथ जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सेविकाएं में उतर जाते हैं, उनको ब्लेसिंग मिलने के बाद सेविकाएं उतर जाते हैं। आपके पास कुछ ब्लेसिंग ना होते भी पेत्रस और यूहन्ना के जैसा, आप उनकी यीशु मसीह की सेवा पैशनेटली करेंगे तो पवित्र आत्मा का जो अनॉइंटिंग है वो हेवी अनॉइंटिंग, थिक अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाएगा और अद्भुत रीति से मल्टी मिरेकल एंड वंडर्स आपके जीवन में साइंस घड़ेंगे हो जाएंगे मेरे प्रियो। और हम देखेंगे आपको क्या लगता कि हम इंसान में अगर परमेश्वर की सेवा हम ही करते कि और भी कोई करते? बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, सिर्फ हम इंसान ही खुदा बाप की सेवा नहीं करते, स्वर्ग के स्वर्ग दूत भी खुदा बाप की सेवा करते हैं। ये बाइबल में लिखा है, हम तो इंसान है, हमारा सेवा करने का लिमिटेशन है, लेकिन परमेश्वर के जो एंजल्स है वो 24/7 खुदा बाप की हुजूरी में रहते। प्रेज लॉर्ड, 24/7 खुदा बाप ने जब बोला जा इसके घर पे जा, कर्नल के घर पे जा, गब्रियल जा, जाके उसको ये बात बता, बाद में मरिया के घर में जा, मरिया को बता कि यीशु मसीह का जन्म तेरे कोख में हो जाएगा। ये सारा मैसेंजर परमेश्वर खुदा बाप ने गब्रियल स्वर्गदूत को दिया था मेरे प्रियो। ये सारे परमेश्वर के जो एंजल्स है, मिखाइल एंजल्स, ये बहुत बड़े प्रिय स्ट्रॉन्ग एंजल्स है मेरे प्रियो। तो ये एंजल भी खुदा बाप की जितने भी स्वर्ग में है ना, ये दुनिया में जितने इंसान नहीं ना मेरे प्रियो, उसे ज्यादा स्वर्गदूत है, इससे ज्यादा स्वर्गदूत है। आपको पता नहीं है परमेश्वर की स्पिरिचुअल आर्मी कितनी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल आर्मी है मेरे प्रियो। आप डरिए मत, जब आलिशा को पकड़ा था, आलिशा को पकड़ा था, जब उसका जो असिस्टेंट सेवक था, जब पूरे शत्रु ने उसको घेर लिया था सुबह उठने के बाद, तो असिस्टेंट को लगा अभी इतने लोगों ने हमें तो घेर लिया तो हम तो मर जाएंगे, उनको डर डर पैदा हो गया और आलिशा को बोलने आया, देखो पूरी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। वो डरने लगा पर आलिशा बिल्कुल डरा नहीं मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है आलिशा ने उसके सेवक के लिए प्रार्थना करी, हे खुदा बाप इसके आंखें खोल, इसको दिखा कि हम लोग कौन है। तब खुदा बाप ने आलिशा की प्रार्थना विनती सुनी और उस असिस्टेंट पास्टर की क्या की, खुदा बाप ने आंखें खोल दी, उस सेवक की आंखें खोल दी। खोलने के बाद उसको पता चला के सैन्य उसके पीछे स्वर्गदूत के अग्नि से भरे हुए रथ की, स्वर्गों की सेना उस पूरे पहाड़ी के ऊपर थी मेरे प्रियो। किस किस किसको सिक्योर करने के लिए, एक स्वर्ग से परमेश्वर खुदा बाप ने पूरी स्वर्गदूतों की सेना अग्नि फायर एंजल उस जगह पे भेजे थे मेरे प्रियो। आप सोच सकते जो सच्चे परमेश्वर के नबी होते, सच्चे सेवक रहते, उनके पास झेड सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी से भी ज्यादा सिक्योरिटी खुदा बाप उनके लिए रखता है। तो आप समझ लीजिए मेरे प्रियो, ये खुदा बाप के एंजल दे भी हमारी सेविका में खुदा बाप ने हमें रखे। प्रेज लॉर्ड। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी और हमारी रक्षा करने के लिए खुदा बाप ने स्वर्गदूत रखे है। आइए हम देखेंगे कहां लिखा है खुदा बाप के सेवा एंजल भी खुदा बाप की सेवा करते। हम देखेंगे भजन संहिता इसका 103 वाद दिया है 21 वचन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 103 वाद दिया है 21 वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। उरावा सुंदर रीलावा शेके रीलावा बनावा रीबा रबो सुंदर रीलावा शेके रीलावा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। देखो मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 103 वाद दिया है 21 वचन, सैम 103:21, Psalm 103:21। हे यहोवा के सारे सेनाओं, हे उसके सेवकों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे प्राण, तो यहोवा को धन्य कहे। मेरे प्रियो, ये बाइबल में लिखा है खुदा बाप ने उसकी स्वर्गदूत हमारे और आपके लिए रक्षा के लिए रखे है। ए यहोवा, ये सारी सेनाओं, ये स्वर्गदूतों की सेना है मेरे प्रियो, जो दिन रात परमेश्वर की सेविकाई करते हैं। प्रेज लॉर्ड। 24/7
इसलिए खुदा बाप हमसे इतना प्रेम करता मेरे प्रियो, जब हम रात को सोते ना हमारे की रक्षा के लिए उसके स्वर्गदूत रखे हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी सोचो मत, सब कुछ खुदा बाप की हुजूरी से और उसकी इच्छा से होने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमारे जीवन ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। नो, जस्ट चलते रहो, विश्वास से चलते रहो। जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। ये बाइबल में लिखा है मसीह लोगों के जीवन में जो कोई भी चीज होती है वो सारी भलाई उत्पन्न करती है। जो होना जो होगा वो अच्छा ही होगा और हमारे भलाई के लिए हुआ। कहां लिखा है मैं पढ़ता हूं, रोमियो इसका 8वां अध्याय 28वें वचन में लिखा है। रोमियो इसका 8वां अध्याय 28वें वचन में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, रोमन चैप्टर 8 वर्स 28। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है उस ऐसे मेरे जीवन में क्यों हो गया, मैंने किसी का क्या बुरा किया था, मेरे जीवन में इतने तकलीफ आई, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया तो मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ क्यों आई, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। जो भी कुछ होता है खुदा बाप की मंजूरी से होता है और उसकी आज्ञा से होता है। ये बाइबल में लिखा है, देखो पढ़िए रोमियों की किताब 8वां अध्याय 28वें वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, Romans chapter 8 verse 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और उनके लिए जो इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर की राज्य के लिए बुलाया गया है उनके जीवन में बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनको परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया गया है उनके जीवन में जो भी घटना होती है वो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर जो भी हो रहा है, व्हाटएवर इट्स हैपन, सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। मेरे प्रियो हर समय में परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही करता है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो ये जो चीज हो रही है हमारे लिए अच्छी हो रही है मेरे प्रियो। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है किस तरह से करना है, ये यहोशुआ अपने इजरायली लोगों को कहता है। परमेश्वर की जो सेवा है किस तरह से करना है ये यहोशुआ अपने लोगों को कहता है, इजरायली लोगों को। आइए पढ़ेंगे यहोशुआ इसका 24वां अध्याय 15वें वचन क्या कहता हम पढ़ेंगे, यहोशुआ इसका 24वां अध्याय 14वें वचन, Joshua chapter 24 verse 14। Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Joshua chapter 24 verse 14। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। मेरे प्रिय यहोशुआ, जो यहोशू उसको हिंदी में बोलते हैं, तो यहोशू जो है वो अपने इजरायली लोगों को क्या कहता है, खुदा बाप की हमें सेवा करनी है तो किस तरह से करनी है, उसका भय मानकर। अब बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं तो दे डोंट हैव एनी फियर। मेरे प्रियो अगर हमारे अंदर अगर परमेश्वर का भय नहीं है तो हर इंसान की सेवा उस अग्नि से क्या की जाएगी, परखी जाएगी। हर इंसान की सेवा जिसने इसने जो जो मिनिस्ट्री की है हर मिनिस्ट्री का हिसाब परमेश्वर को देना होगा, ऑडिट होगा। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है इसलिए अब यहोवा का भय ऐसे करो, खराई से और सच्चाई से करो। आज बहुत सारे लोगों के मन में परमेश्वर का भय नहीं है। मेरे प्रियो आपको कितना बाइबल मालूम है, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ भी बाइबल नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मेरे प्रियो हमारे अंदर अगर आपको बाइबल का वचन ज्यादा याद नहीं हो रहा, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब बिल्कुल सोचिए मत कि अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ लिया अच्छा तरह से तो क्या मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाइबल बहुत अच्छा पढ़ते या नहीं पढ़ते उसके द्वारा खुदा बाप आपको स्वर्ग में जाना या नहीं जाना ये नहीं रखेगा। आप परमेश्वर में कैसे चलते हो, खुदा बाप की इच्छा के अनुसार चलते हो। इसलिए यीशु ने कहा प्रभु जी कहने वाला हर कोई इंसान स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा, जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा वही स्वर्ग के राज्य में आएगा। हालेलुया, उसका ही खुदा बाप की राज्य में, किंगडम में उसका प्रवेश होगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा में चलना है। क्या मैं जो कर रहा हूं कि मेरे खुदा बाप को मंजूर है,
खुदा बाप की इच्छा है जो मैं कर रहा हूं उसमें हर बात में परमेश्वर की इच्छा को ऐड करो मेरे प्रियो। इसलिए क्या होगा, खुदा बाप आपके जीवन से हमेशा खुश रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। इंग्लिश में उसमें एक वचन है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय यही ज्ञान का आरंभ है। आपको ये बाइबल कब से पता चली, जिस दिन से आपके अंदर परमेश्वर का भय आया उस दिन से आपको सच्ची तरह से बाइबल समझ में आई। नहीं तो आपको पूरा अगर बाइबल मालूम है लेकिन उस बाइबल के वचन के अनुसार अगर नहीं चल रहे तो आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का आदर युक्त भय होना जरूरी है। इसलिए यहोशू इसराइली लोगों को कह रहा है, यहोशू 24:14 में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं को सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। मेरे प्रियो, हमें खुदा बाप की सेवा करनी है, किसी इंसान की सेवा नहीं करनी, किसी पैसे की सेवा नहीं करनी। बहुत सारे लोग पैसे को भगवान मानते, गिर गया पैसा था साहब पकड़ दे, ऐसा नहीं है। वो एक नोट है, वो खुदा बाप ने हमारे लिए दिए, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उन्हें भगवान नहीं समझना है। बहुत सारे लोग पैसे को भगवान बोलते, तो ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। वो एक कागज का टुकड़ा है, सरकार ने उसको ये दिए, मंजूरी दी है, इसलिए उसको कीमत आ गई। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए हमें किसी इंसान को भगवान नहीं बोलना है और किसी कागज के टुकड़े को भगवान नहीं बोलना है। खुदा खुदा है, खुदा को खुदा ही बोलना है। इसलिए यहोशू अपने लोगों को कह रहा है, इजराइल लोगों को, कि तुम क्या करो, तुम्हारे पुरखों ने महानंद के मिस्री लोगों के जैसे जो लोग उन्हें दूर करके, अपने जीवन से दूर करके यहोवा की सेवा करो, जिंदा खुदा की सेवा करो, यहोवा परमेश्वर की सेवा करो। और हम देखेंगे कैसे सेवा करना है, शमूएल क्या कहता है वो भी हम देखेंगे। एक शमूएल इसका 12:24, एक शमूएल इसका 12:24, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12:24, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12:24, आइए हम पढ़ेंगे। एक शमूएल नबी की किताब उसका 12:24 क्या कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक शमूएल इसका 12:24, केवल इतना ही हो कि तुम यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण हृदय के साथ उसकी उपासना करो, और क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, इस जगह पे लिखा है उपासना करो, वचन में लिखा है सेवा करो। क्या लिखा है, केवल इतना ही, इतना हो कि तुम यहोवा का भय मानो, सच्चाई से अपने संपूर्ण हृदय के साथ उसकी सेवा करो। सच्चाई से और संपूर्ण हृदय से जो भी सेवा करें खुदा बाप की, सच्चाई से करो और पूरे हृदय से करो। आधा मन घर पे और आधा सेवा में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे मन से, तन मन से प्रवेश की हमें सेवा करनी है। तो क्या होगा, तो सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा बाप ने हमारे जीवन में क्या क्या बड़े बड़े काम किए वो हमें याद करना है मेरे प्रियो। तो हम उस खुदा बाप को कुछ दे नहीं सकते लेकिन उसकी सेवा तो कर सकते हैं। खुदा बाप, ये आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। सेवा सिर्फ इतना ही ना होता, सिर्फ बाइबल का वचन लोगों को बताना, ये तो सेवा है। सेवा बहुत सारी सेवा है मेरे प्रियो। आप गौर गरीब को मदद कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, बहुत सारी सेवा है। सेवा सिर्फ इतनी नहीं है। आप चर्च में आते हो तो चर्च में अगर आप गाना गाते हैं, आपका अच्छा गाना, आपका परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग दिया है, आप अच्छा गाना गा सकते हैं, वो भी सेवा है। बहुत सारी सेवा है मेरे प्रियो, सिर्फ करते रहो। आप ये मत सोचो कि उसका मुझे क्या मिलेगा। आप परमेश्वर का काम करते मेरे प्रियो, खुदा बाप को उसका आशीष देता ही देता है। कोई किसी का एक रुपया भी नहीं रखता, हर जन को आशीष मिलता है। बाइबल में लिखा है, एक इंसान आया था, तो उसको काम को रखा वो मालिक ने, उसको मजदूरी कितनी दी, मजदूरी 1 रुपया। दोपहर को आया, उसको भी 2 रुपया। 4 बजे आया, उसको भी 1 रुपया। 6 बजे आया, उसको भी 1 रुपया। जो पहले वाला था तो चिल्लाने लगा और बोला, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूं और मुझे 1 रुपया, शाम को कितना पेमेंट देना।
किसको कितना पेमेंट देना, पहले वाला है उसको भी एक रुपया सुबह आया और शाम को आया उसको भी एक रुपया। मेरे प्रियो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास भले 20 साल पहले कोई आया रहेगा या अभी कोई नया मसीह आया रहेगा, उसको भी उतना ही प्रेम खुदा बाप करता है, और जो कल आया था उसको भी उतना ही प्रेम करता है। मेरे प्रियो खुदा बाप किसी के बारे में छोटा बड़ा प्रेम नहीं करता, सबसे एक जैसा ही प्रेम करता है। प्रेज लॉर्ड, ये हमको सीखना चाहिए और हमें परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करते रहना है। लास्ट का वचन हम देखेंगे, सबसे बड़ा आशीष है सेवा करने के बाद आपको क्या आशीष मिलती है। खुदा बाप की सेवा, यीशु मसीह की सेवा करने के बाद आपको क्या आशीष मिलती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने सुना रहेगा एक शर्ट के ऊपर एक शर्ट फ्री, एक 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 ड्रेस के ऊपर एक ड्रेस फ्री, लेकिन ये आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक चीज के ऊपर पांच चीज फ्री है खुदा बाप से। आप लेके जाओ, एक चीज के ऊपर पांच चीज फ्री है। अब देखो एक चीज करने के बाद पांच चीज फ्री है, ऐसी कौन सी चीज है? आइए हम पढ़ेंगे कि खुदा बाप की सेवा करने के बाद आपको एक के ऊपर पांच चीज फ्री मिलेगी। निर्गमन इसका 23वां अध्याय 25 और 26 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे निर्गमन इसका 23वां अध्याय 25 और 26 वचन, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 एंड 26, एक्सोडस चैप्टर 23:25 and 26 हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निर्गम इसका 23वां अध्याय 25-26 वचन, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करो, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे देश में तू कभी ना कभी किसी का गर्भ ना गिरेगा, न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। हालेलुया, मेरे प्रियो परमेश्वर ने, खुदा बाप ने, यहोवा परमेश्वर ने आपको आपको और हमें बड़ी ब्लेसिंग दी है। अगर हम यीशु मसीह की सेवा करते मेरे प्रियो, एक के ऊपर पांच चीज फ्री है। अब देखो पहली चीज क्या फ्री हम देखेंगे। देखो यहां लिखा है 25 वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करो, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। योर ब्रेड एंड बटर विल बी ब्लेसेड। आपका ब्रेड और बटर परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन आशीष करेगा। पहला ब्लेसिंग। सेकंड ब्लेसिंग, तेरे बीच में से रोग दूर का चंगाई देगा आपको, आप प्रभु यीशु की सेवा करेंगे तो। तीसरी चीज है, तेरे देश में न तो कोई किसी का गर्भ गिरेगा, नो मिसकैरेज, किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, ये तीसरा ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। चौथा ब्लेसिंग है, न कोई बांझ होगी, तेरे घर में कोई बांझ नहीं गई अगर तू सेवा यीशु की करेगा तो। और पांचवी आशीष है, तेरे आयु मैं पूरी करूंगा। खुदा बाप बोल रहा है मेरे प्रियो, मैं तुझे अबंडेंटली लाइफ दूंगा, मैं तुझे बड़ी उम्र दूंगा, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। मेरे प्रियो ये फाइव फोल्ड ब्लेसिंग है, ये पांच प्रकार की आशीष खुदा बाप ने हमें और आपको दिए यीशु मसीह की सेवा करने के बाद। इसलिए हमें विश्वास के साथ यीशु मसीह की सेवा करते रहे मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको आने वाले दिनों में बहुतायत से आशीषित करेगा। खुदा बाप, प्रेज लॉर्ड। आइए हम मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए सामने नम्र होकर उसकी दुआ करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं ये सारे वचन यीशु मसीह के नाम से आपको समझ में आए रहेंगे। खुदा बाप ये सारे वचनों के द्वारा आपको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करें। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। सुंदर ऐसा मौका प्रभु आपने मुझे वचन बांटने का दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सारे लोग आपके मसीह लोग हैं प्रभु जी, आपसे बहुत प्रेम करते प्रभु जी, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इनके जीवन में जो कोई आशीष आज तक उन्हें मिली नहीं प्रभु जी, आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष से आप भर दीजिए प्रभु जी। उनकी सेविकाई बढ़ाई प्रभु जी, उनका फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू उनके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से चाहता हूँ। जिन बहनों को आज तक संतान की आशीष मिली नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें संतान की आशीष मिले प्रभु जी, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। जिन बहनों के और भाई की अभी तक शादी तय नहीं हुई, आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से उनकी शादी तय हो प्रभु
मुझे ये 2022 साल ये सारे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष का साल, उन्नति का साल, शांति का साल, चंगाई का साल होने दे पिता। ऐसे मैं दुआ करता हूँ ये सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु जी, आपकी हुजूरी में चले प्रभु जी, और आपका भय उनके अंदर आए प्रभु जी, और सच्चाई से और आत्मा से आपकी सेवकाई करे। ऐसे मैं दुआ करता प्रभु जी हर परिवार में आशीष मिले प्रभु जी, सारी कर्ज की समस्या यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकाल दीजिए प्रभु जी, जिनको नौकरी नहीं है उनका अच्छी पगार की तनखा की नौकरी मिले, जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम से उनका बिजनेस बढ़ोतरी हो प्रभु जी, उनके पैसे में बढ़ोतरी हो प्रभु जी, और उनका फाइनेंशियल पोजिशन बढ़े प्रभु जी, जिनके पति पत्नी में झगड़े होते हैं वो सारे झगड़े यीशु मसीह के नाम से मिट जाए प्रभु जी, उनके परिवार में शांति हो प्रभु जी, उनका कोर्ट का जो केस है प्रभु जी कोर्ट का केस यीशु मसीह के नाम से उनके बाजू से उन्हें न्याय मिले प्रभु। ऐसा मैं दुआ करता हूँ, और प्रभु हमारे प्यारे पास्टर है उनको भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित कीजिए, उनके मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए, उनके पेज को भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित कीजिए। अपने ऐसा अद्भुत काम किया इसलिए धन्यवाद देता हूँ, आदर महिमा आपको देता हूँ, और यह दुआ यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से कबूल कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस।